क्लास 12th आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो धीरे धीरे करके हम सारी प्रॉपर्टी और उनसे रिलेट उनके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे साथ के साथ, जिससे कि आप एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चंस हैं सॉल्व जिन उनको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी देखिए, वी हैव लर्न, आप ये चीज सीख चुके हो कि यदि कोई फंक्शन ए टू बी बाइजेक्टिव है देन एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट कब करता है, एफ इनवर्स ओ एफ इस तरीके से ही करता है ना, बी इंटेंस टू ए एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, सच दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इट मीन्स एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो, इसी कंसेप्ट पर आपकी ये प्रॉपर्टी है। और ये मैं आपको जब मैं आपको डोमेन और रेंज पढ़ा रही थी इनवर्स टी फंक्शंस के तब भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके डोमेन याद रखने हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स कौन सा सेट है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक क्लोज इंटरवल, ये सारे डोमेन वही है जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिनके लिए फंक्शन क्या था बाइजेक्टिव। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह cos इनवर्स cos x भी x है, tan इनवर्स tan x भी x है, cot इनवर्स cot x x, cos sec इनवर्स cos x x, sec इनवर्स sec x आल्सो x, और x किसको बिलोंग कर रहा है ये सेट, वो आपके ये सारे रिस्ट्रिक्ट डोमेन है जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये कंडीशन जो साइड में लिखी हुई है इनको आपको याद रखना ही है, बिकॉज जो भी हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उन सबके आंसर्स इसी सेट में आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका एक मैं प्रूफ बता देती हूँ, एक प्रूफ कर लोगे तो आप सारे कर पाओगे। फर्स्ट ले लिया है मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है, इसको मैं प्रूफ बता रही हूँ इसका, तो ये लेट कर लो कि साइन एक्स थीटा, इसको क्या मैंने लेट कर लिया साइन एक्स थीटा है। यदि साइन एक्स थीटा है तो एक्स बराबर क्या होगा, इधर जाएगा ये साइन इनवर्स थीटा, गॉट इट, यदि साइन एक्स थीटा है तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, इसको मैंने इनवर्स फंक्शन में बदल दिया, इसको चेंज कर दिया, इनवर्स निकालना सीखा था हमने दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये थीटा बराबर एक्स में था, एक्स किस में बदल गया थीटा में, एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी साइन एक्स, ये देखो थीटा की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स किसके बराबर होता है साइन एक्स के, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, इसी टाइप से आप बाकी के रिजल्ट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने एक्स, ओके, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने ये देख लिया जो एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू, ये है ना कंडीशन, एक्स बिलोंग्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा कब, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस 92 प्लस 90 है, तो पाई बाई थ्री इस इंटरवल में इंक्लूड है, इस इंटरवल को बिलोंग करता है, पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस 92 प्लस 90, तो जो भी आपके यहाँ एक्स की वैल्यू है और बराबर आप लिखोगे एक्स तभी लिखोगे जब ये नंबर आपका इस इंटरवल का हो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स, तो ये डायरेक्ट पाई बाई सिक्स हो सकता है बिकॉज हमें मालूम है कि पाई बाई सिक्स इस सेट को बिलोंग करता है माइनस 90 से प्लस 90। देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स कब होगा, यदि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90, तो पाई बाई सिक्स 30 डिग्री है, माइनस 90 से प्लस 90 के बिटवीन आएगा, ओके, तो इट इज पाई बाई सिक्स, ओके, तो जो भी आंसर है देखो डोमेन में ही आने चाहिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, देखो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री,
नॉट इक्वल टू 2π/3 बिकॉज ये 2π/3 हो गया ना, ये तो इस डोमेन से बाहर हो रहा है। साइन साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कब है, जब एक्स -90 से +90 तक है। बट ये तो आपका 120 डिग्री है और ये की क्या है -90 से +90, तो यानी कि ये हमारे इस डोमेन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। ये 2π/3 के बराबर नहीं होगा रिजल्ट, बिकॉज 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देयरफॉर इसलिए साइन 2π/3 पॉजिटिव है। इसके मैंने देखो ब्रेक कर दिए, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा, ये देखो ब्रेक कर दिए, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तीन में से एक गया दो, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2π/3 किसके बराबर है, साइन पाई बाई थ्री, दोनों वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और अब ये आपका जो पाई बाई थ्री है ये आपके इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 किसके इक्वल आ गया, 2π/3 किसके इक्वल आ गया, पाई बाई थ्री के, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाई थ्री। ओके, तो अभी आप बिल्कुल पेपर पेन लेकर बैठो, रजिस्टर आराम से बैठो और देखो एक एक क्वेश्चन आप खुद करो। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स जो भी नंबर है वो बिलोंग्स टू 0 to π हो, 0 से π तक हो, बट 7π/6 तो नहीं होगा। ओके, ये तो 210 हो गया ना, ये 110 तक होता है तो ये बिलोंग नहीं करता, तो नेचुरल है इसको भी हमें इस सेट में लाना पड़ेगा। तो देखो 7π/6 के ये प्लस है, 7π/6 प्लस है, कॉस का प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में, लेकिन ये फर्स्ट से वैल्यू ज्यादा है तो हम कहाँ जाएंगे, सीधे फोर्थ में, तो देखो 2π - 5π/6, देखो 6 2 12 12 - 5 7। ओके, तो ये 2π से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 5π/6 को, तो ये एडजस्ट कर रहा है, और cos 2π - थीटा cos थीटा मालूम है, cos 2π - थीटा cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इस क्वेश्चन का कौन सा क्वाड्रेंट था, π - थीटा sin थीटा सेकंड था। ठीक है, तो ये आपका आ गया cos 7π/6 5π/6 के बराबर आ गया। अब 5π/6 देखो बिलोंग कर रहा है ना, ये 135 डिग्री 30 नहीं सॉरी 150 डिग्री। ठीक है, तो ये 150 डिग्री है, ये 180 तक है, यानी कि 5π/6 अब हमारे इस डोमेन को बिलोंग करता है, तो 7π/6 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, 5π/6, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5π/6, और 5π/6 इसको बिलोंग करता है। तो आप जब भी सॉल्यूशन करो तो ये डोमेन आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से है फोर्थ, टेन इनवर्स टेन 3π/4। अब देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स किस कब, टेन इनवर्स एक्स एक्स के कब बराबर है, जब एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 to +90। अब इधर तो बेटा क्या दिया है, 3π/4, तो 3π/4 तो इसको बिलोंग नहीं करता, तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा, तो इसको मैं डोमेन में कन्वर्ट करूंगी, भाई डोमेन में एग्जिस्ट कराऊंगी कैसे, देखो ये 10 प्लस का है, इसके मैंने ब्रेक कर दिए, π - π/4। ठीक है, 10 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, देखो सेकंड π - π/4, तो 10 180 माइनस थीटा माइनस के 10 थीटा, अच्छा माइनस के 10 थीटा 10 - थीटा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, 10 देखो 10 - थीटा को क्या लिख सकते हो, -10 थीटा, ये पढ़ा हुआ है ना, तो ये चीज मैंने इधर लिख दी, -10 थीटा था तो ये -थीटा कर दिए, तो 3π/4 की वैल्यू और -π/4 की वैल्यू क्या होती है सेम, देखो 10 3π/4 भी होता है -1 और 10 -π/4 भी क्या होता है -1,
तो टेन थ्री पाई बाई फोर को मैं माइनस पाई बाई फोर लिख सकती हूँ बिकॉज ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, अभी हमने ये शो भी की हुई है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के बराबर आ गया। अब माइनस पाई बाई फोर इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल माइनस 92 प्लस 90। तो जो भी एंगल आपका यहाँ है सेट का, वो यदि आपके जो ये सेट है जो रिस्ट्रिक्टेड जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उन सेट में यदि वो नंबर नहीं है तो उन सेट में लाने के लिए आपको फॉर्मूले लगाने होंगे, या तो पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टू पाई थ्री पाई जो भी है, आपको आंसर जो थीटा जो भी आएगा इट मीन्स ये नंबर्स जो आएंगे वो इनको बिलोंग करने ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। अब आप जो बुक में आपके क्वेश्चंस और दिए बहुत सारे दिए हैं उन सबको अब आप ट्राई करो। ओके, प्रॉपर्टी है आपकी, ये भी आपको मैं जब प्रूफ करवा रही थी तो मैंने ये बताया कि आपको रिजल्ट्स, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारी सेकेंड देखो, वी हैव लर्न एफ ए टू बी बाइजेक्टिव होता है, तो एफ इनवर्स बी एग्जिस्ट करता है कब, दो कंपोजिशन पे, एफ इनवर्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एन एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ आप पढ़ चुके हो पहली प्रॉपर्टी में, अब दूसरी एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स भी क्या होता है, एक्स। इधर जो x के डोमेन होते हैं बिलोंग्स टू b, और पहली प्रॉपर्टी में x बिलोंग्स टू सेट a, इसमें सेट b उल्टा है ना, ये f o g है, वो g o f था, ठीक है। अब देखिए पहले था साइन इनवर्स साइन x बराबर x, अब है साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, ये भी सारे x के इक्वल है। देखो cos ऑफ cos इनवर्स x आल्सो x, tan ऑफ tan इनवर्स x आल्सो x, cot of cot inverse x also x, cosec of cos inverse x x, sec of sec inverse x x। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, ये जो x है ये कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये sin inverse है, यहाँ पर x की जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, x belongs to minus 1 to 1, ठीक है, x belongs to minus 1 to 1, यहाँ पर x, ये भी minus 1 to 1 है, मैंने टेबल बनवाई थी आपको डोमेन और रेंज की इनवर्सिटी फंक्शंस की, और मैंने बोला भी था आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x, x कब होगा, जब x belongs to minus 1 to 1, cos के लिए भी दोनों सेम है, tan के लिए x belongs to all real possible है, cosec और sec के लिए all real except open interval minus pi by 2 minus sorry 1 to 1, ठीक है। इसका proof भी as it is है जो आपको मैंने first property में भी बताया था, let ये जो bracket है sin inverse x, इसको मैंने क्या consider कर लिया, theta, यदि sin inverse x theta है तो x बराबर क्या होगा sin theta, function change कर दिया, converse निकाल दिया उसका, तो ये फंक्शन का मैंने इन्वर्स किया है इधर, तो एक्स बराबर क्या आ गया साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के, थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के, ये देखो तो थीटा की जगह साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आया, एक्स के बराबर ही आया, वेरीफाई हो गई ये चीज, सेम है जो आपका फर्स्ट था, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होगा, बट इस वाली कंडीशन में x जो बिलोंग करेगा वो माइनस 1 टू 1 होगा, और उसमें क्या था माइनस 92 प्लस 90, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, इनवर्स है या ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन है तो जो x होंगे वो आपके ये देखो पाई के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ओके, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ये वैल्यूज आपकी ये माइनस 1 टू 1 रियल नंबर में है, ये किसमें सारी रियल नंबर में है, ठीक है, और उस वाले में सारी वैल्यूज जो आपकी डोमेन थी वो पाई की लैंग्वेज में थी, डिग्रीज में थी, जो भी एंगल था, ठीक है, तो ये थोड़ा रिवर्स है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए इसी से रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक रिजल्ट यूज करोगे, ये जो मैंने लिखा है भी एक्सप्लेन करती हूँ,
इस रिजल्ट से आपके ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं। देखो तो ये रिजल्ट देखो, साइन इनवर्स पी बाई एच, तो साइन इनवर्स यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो पी बाई एच होगी। आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है आपने, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सारे इनवर्स टी फंक्शन है जो वो हम दूसरे टी फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते थे 10th में भी और 11th में भी, तो हम इनवर्स को भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो ये नंबर है ये आपका चेंज हो जाता है। तो देखो पी बाई एच है तो साइन इनवर्स पी बाई एच को मुझे कॉस में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, मुझे ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ओके साइन थीटा, देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह मैं करूँ कॉस वाला, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिखूंगी बी बाई एच, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है इक्वल, साइन इनवर्स पी बाई एच तो इसको मैं कॉस में चेंज करूंगी तो पी अपॉन एच की जगह रेशियो क्या आ जाएगा बी अपॉन एच कॉस वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइन को मैं टेन में चेंज करूं तो टेन का आ जाएगा, कॉट में करूं तो कॉट का, कोसेक में करूं तो कोसेक का, सेक में करूं तो सेक का, यानी कि सारे इनवर्स टी फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज करना है वो देखो एग्जाम्पल। पहला पहला मैंने सिंपल प्रॉपर्टी से रिलेट लिया हुआ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो देखो ये इसका आंसर है, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, और देखो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब सेकंड देखिए, साइन ऑफ कोस इनवर्स आ गया, ये तो भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता तो हमारा रिजल्ट क्या होता एक्स, बट यहां तो साइन ऑफ कोस इनवर्स है तो अब हम इस कॉस को किसमें चेंज करेंगे साइन में। तो देखो ये ऊपर वाला रिजल्ट लिखा है मैंने, ये कॉस किसके बराबर हो सकता है साइन के बराबर, यानी ये सारे एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। अब वो जो चेंज हम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये राइट ट्राइंगल जो पाइथागोरस की हेल्प से, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे क्लियर हो गई वैसे आपको कि पी परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज, तो इस कॉस को मैं साइन में बदलूंगी। यदि ये कॉस की फॉर्म में है तो यानी ये बी अपॉन एच है, तो मैंने ये राइट ट्राइंगल बना लिया, ये बी और ये एच लिख दिया। देखो कॉस क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो बी हो गया 4, एच हो गया 5, तो बाई पाइथागोरस से हाइट 3 आएगी। ओके तो अब इस कॉस को यदि मैं साइन में बदलूंगी तो पी बाई एच, कॉस को साइन में मैंने चेंज किया तो क्या लिख दिया पी बाई एच, पी बाई एच। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर है और एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इज इट क्लियर। अब देखिए थर्ड, इट इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बट जो हमारा फॉर्मूला है वो तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स है। ओके तो ये बाहर तो कॉस है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना है इस ब्रैकेट में कॉस, तो साइन इनवर्स पी बाई एच को कॉस में यदि मैं बनाऊंगी तो पी बाई एच आना चाहिए था, ठीक है। तो इट मींस मुझे पी बाई एच दिया है, तो देखो पी और ये एच पाइथागोरस से सॉल्व किया, बेस क्या आ गया 15, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यदि आपको याद है डायरेक्ट लिखो, ये राइट ट्राइंगल बनाओ और सारी वैल्यू पी बी और एच की लिख लो, सारी लिख ली हमने, ये पी और एच की आपको दी थी, बी हमने निकाल लिया 15, साइन को मुझे कॉस में यदि बदलना है तो ये पी बाई एच को मुझे किस में बदलना होगा बी बाई एच में, बदल गया। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है एक्स के बराबर, और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है -1 to 1। क्लियर सिंपल है। इसी तरीके से ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये सारे आंसर देखो इसको बिलोंग करते हैं सेट को। कॉस ऑफ कोसेक इनवर्स 13/2, अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता तो मैं डायरेक्ट एक्स लिख देती, बट इधर कोसेक है तो कोसेक को कॉस में बदलना है, ठीक है। तो कोसेक है यानी कि मुझे एच और पी दिया, एच और पी मैंने यहाँ लिख लिया, एच और पी पाइथागोरस से 5 निकाल लिया, पाइथागोरस
पांच बारह तेरह होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब कॉस सेक को कॉस में बदला तो भाई बी अपॉन एच लिखना पड़ेगा, तो बी अपॉन एच अब हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 5/13। तो इस तरीके से आप राइट ट्रायंगल बनाकर ये दोनों चीज सेम बनाओगे, ठीक है? ये दोनों नंबर क्या बनाओगे? सेम बनाओगे। उसके बाद आप इसका कैंसिलेशन कर दोगे तो ये आपका एक्स नंबर आ जाएगा। तो एक्स तभी लिखेंगे जब ये दोनों नंबर क्या हो? सेम हो, ये सेम टी रेशो, ठीक है? तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आप ये याद रखोगे। ओके, प्रॉपर्टी आपकी है, देखो इम्पोर्टेंट है, सारी इम्पोर्टेंट है, अब ये बिल्कुल नहीं है। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहां पर जितने भी एक्स हैं ये मैंने छह फॉर्मूले लिखे हैं, तीन इधर तीन इधर, ठीक है? छह हो गए। इन सभी में जो एक्स है वो माइनस का है, तो एक्स यदि माइनस का हो तो क्या रिजल्ट आएंगे? साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो साइन टेन और कॉसेक माइनस एक्स है तो माइनस के रिजल्ट्स हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक का भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इन तीनों में ये जो माइनस है सारे कहाँ गए? बाहर, ठीक है? अब जो बाकी के तीन है कॉस कॉट और सेक, इन सभी में जो माइनस है वो पाई के साथ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इन तीनों में ध्यान रखना है, पाई 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 भी ऐड हो रहा है और इन तीनों में पाई ऐड नहीं हो रहा। तो पाई ऐड किस किस में हो रहा है? कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सेक में, ठीक है? और बाकी सब में केवल माइनस साइन के साथ इनवर्स फंक्शन है, ठीक है? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपको सेट याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन पे ये आपके फॉलो होंगे। साइन है, साइन का इनवर्स एक्स क्या होता है? डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इधर भी ऑल रियल टेन के लिए, कॉसेक के लिए ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, कॉसेक और सेक का सेम रहती है कंडीशन, टेन और कॉट की भी सेम रिस्ट्रिक्शन है, और इसी तरीके से साइन और कॉस की भी सेम है, ठीक है? तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है? अब देखिए ये डोमेन याद रख लोगे, सिंपल है, मैंने बताया यहाँ पे केवल माइनस है और इन तीनों में पाई ऐड हो जाएगा। अब इनका प्रूफ देखिए, इन तीनों का सेम है और इन तीनों का सेम है, इसीलिए मैंने ये तीन इधर लिखे हैं वो तीन इधर। अब इसमें से एक का मैंने प्रूफ बता रही हूँ, फर्स्ट का, ठीक है? अब देखो एक्स बिलोंग्स टू क्या है? -1 to 1 है। यदि एक्स -1 to 1 है तो माइनस एक्स क्या होगा? यदि मैं इस इंटरवल में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूं -1 to 1 में, तो प्लस वाले सारे माइनस में आ जाएंगे, माइनस वाले सारे प्लस में आ जाएंगे, वापस वही इंटरवल मिल जाएगा। तो इंटरवल में पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर, ओके? तो वापस वही मिल जाएगा। अब देखिए मैंने ये कंसीडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली थीटा लेट कर ली, ओके? तो लेफ्ट हैंड साइड थीटा है तो इसको मैंने इधर चेंज कर दिया, फंक्शन का इन्वर्स कर दिया, तो साइन थीटा क्या आ गया? माइनस एक्स आ गया। तो एक्स इट मीन्स एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा कब होता है? टी फंक्शन में आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में जो पढ़ी है, साइन माइनस थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, साइन थीटा ये आपने पढ़ा है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। तो मैंने ये माइनस इधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस थीटा अब ये मैंने वापस इनवर्स कर दिया, साइन इनवर्स एक्स। तो आपने देखा थीटा बराबर क्या आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स था, वही थीटा किसके बराबर आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी कि ये और ये क्या आ गए? इक्वल। एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए? इक्वल। ये एलएचएस थी और किसके बराबर आ गया? थीटा इसके बराबर।
इट मीन्स ये भी थीटा और ये भी, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। सो प्रूफ हो गया हमारा कि साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स एक्स के इक्वल है। ये अब आप खुद अपने रजिस्टर पर ये करके देखिए, एक एक प्रूफ, सारे प्रूफ आएंगे, जैसा आपका फर्स्ट है सेम सेकेंड ये थर्ड और फोर्थ है, ठीक है, सारे करो इसी मेथड से। एक बार इसको लिखो फिर बाकी के ये दो करो, ओके। अब देखिए इधर, ये मैं सेकंड कॉस का बता रही हूँ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्यों, उसका प्रूफ ये रहा। देखो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, माइनस वन टू वन, तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, वही माइनस वन टू वन ही होगा, सारे ये साइन चेंज हो जाएंगे, इंटरवल वापस वही हमको मिलेगा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा, उसके बाद इसका इन्वर्स कर दिया, कॉस थीटा आ गया माइनस एक्स, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो तो एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। अब माइनस साइन ये इसको करना है, तो देखो कॉस माइनस कॉस थीटा कब होता है, इलेवेंथ में पढ़ा है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा, ओके। तो कॉस पाई माइनस थीटा आ गया रिजल्ट। अब ये वापस मैंने इसका इन्वर्स कर दिया, तो पाई माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो बताओ थीटा बराबर क्या आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, थीटा हमने क्या लेट किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये थीटा सॉल्व करके क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। तो ये थीटा इसके बराबर आ गया, हो गया प्रूफ, इट मीन्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और x belongs to माइनस वन टू वन। अब फटाफट से नोटबुक लो अपनी और ये करो आप खुद, ठीक है, ये आप करोगे आपको समझ आ जाएगा, इसी पर डिपेंड आपके ये दो है, ठीक है, सेम है, ये तीन और ये तीन सेम प्रूफ है, ओके। अब इससे रिलेट मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, कॉस साइन इनवर्स माइनस फाइव बाय थर्टीन, कॉस साइन इनवर्स माइनस फाइव बाय थर्टीन, तो अभी मैंने क्या पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने क्या लिख लिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, पहली प्रॉपर्टी से ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाहर क्या है, कॉस है, तो मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब देखिए इसके आगे, कॉस माइनस, ये अब पूरा थीटा कंसीडर कर लिया मैंने, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इलेवेंथ में पढ़ा है, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस साइन स्किप हो जाता है। अच्छा अब देखो, जो हमने पहले एग्जांपल्स किए थे उसमें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन कब, दोनों कॉस हो, ये कॉस है और ये साइन है, तो इसको मैं किसमें बदलूंगी, कॉस में, तो मैंने पहले आपको बताया राइट ट्राइंगल की हेल्प से आप बदल सकते हो, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, पांच बटे तेरह, ये देखो पी बाई एच, पाइथागोरस से बेस क्या आ गया, बारह, तो इस साइन को मैं कॉस में चेंज कर रही हूँ, तो कॉस बी अपॉन एच, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के, ट्वेल्व बाय थर्टी, डन, सिंपल था। अब देखिए सेकंड, टेन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अब फिर आ गया एंगल माइनस में, अब ये जो माइनस में है, तो देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो मैंने कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ये लगा दिया फॉर्मूला, सेकंड नंबर वाला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगा दिया, एक्स बारह बटे तेरह था। अच्छा आप देखिए, टेन वन एट्टी माइनस थीटा, टेन वन एट्टी माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस के टेन थीटा, ये पूरा थीटा है, तो माइनस के टेन थीटा, ओके। अब मैं जब आगे कैलकुलेशन करूंगी, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, बट ये तो कॉस है, तो मुझे इसको किसमें चेंज करना है, टेन में, तो यही राइट ट्राइंगल की हेल्प से कर लेंगे हम, तो ये आपका बी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच, पाइथागोरस से पांच आ गया,
ठीक है, परपेंडिकुलर पांच आ गया, तो कॉस को यदि मैं टेन में चेंज करूंगी तो पी बाय पी, तो पी बाय पी, अब टेन टेन हट जाएंगे, क्या बचेगा 5/12, और आगे क्या साइन था आपका माइनस, तो रिजल्ट आ गया -5/12। तो ये जो आपके रिजल्ट आएंगे ये ऑटोमेटिकली इन्हीं सेट में होंगे, क्योंकि ये चीज हमने यहीं पर देख ली कि सेट में ही है -1 to 1। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आगे करते जाओगे तो आपके इन्हीं डोमेन में इसी एक्स का जो भी सेट है उसी में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके।